दोस्तों ये नोवा कंपनी का ट्रिमर है, तो दोस्तों इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जैसे हम इसको चलाते हैं तो ये बिल्कुल ये रन नहीं करता, और जैसे ही हम इसको बिजली में भी लगा देते हैं, ये देखो दोस्तों लाइट जल चुकी है बिजली में लगाने के बाद, अब इसको हम चला रहे हैं तो कोई ये काम नहीं कर रहा लाइट जलने के बाद भी। तो दोस्तों जैसे ही हम बिजली में से हटाने के बाद इसको हटाते हैं दोस्तों, ये हमने जैसे हटा दिया, ये देखो ये ओके काम करने लगा, ये देखो ये सही बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा, विदाउट बिजली बैटरी से ही चलने लगा फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको लगा देते हैं तो उसके बाद फिर ये काम नहीं करेगा, ये हमने लगा दिया ये वो करते फिर ये काम नहीं करता। तो दोस्तों दिक्कत क्या है कि हमारे हमारे इसमें दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये काफ़ी दिन तक क्या होता है, इसकी सफाई नहीं हो तो इसमें बाल वगैरह फंस जाते, या फिर थोड़ा बहुत ये जंग का भी हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये दांते आगे पीछे काम करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको सही करते हैं। दोस्तों इसको खोलने के लिए आपको पहले ये दो पेच खोल लें, अब जब खोलें तो इसकी हर पार्ट का आप ध्यान भी रखें कि कौन सा पार्ट कैसा था। इसके अंदर एक स्प्रिंग है दोस्तों, स्प्रिंग की सेटिंग थोड़ी सी वो होती है, अब जैसे कि हमने अब ये आराम से हटाएंगे, ये चीज़ हमने हटा ली, देखो ये बाल लगे हुए इसके अंदर, अब दोस्तों ये चीज़ हम ये देखेंगे, स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, और लगने के बाद स्प्रिंग दोस्तों ये यहाँ पे इसको ये जो मुड़ी हुई स्प्रिंग इसमें ये दोनों छेदों में लगी हुई है, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। ये दोस्तों हमने स्प्रिंग निकाल दी है, ये स्प्रिंग ऐसे लगती है यहाँ लगने के बाद ऐसे, तो चलो दोस्तों हमने ये स्प्रिंग भी अलग कर दिए, अब हम इसकी सफाई कर रहे हैं। दोस्तों ये जो बाल लगे हुए ये आपको सारे वाश करने पड़ेंगे, ये हल्का सा जंग भी लगा है इसको भी छुटा देंगे। तो ये दांतों में भी देख लें, अगर दांतों में भी बाल वगैरह है तो इसको भी आप साफ कर। दोस्तों इसी तरह ये वाला भी साफ कर लेंगे, दोस्तों ये जो सेटमेंट होते हैं इसके, ये जो आगे वाले ये सब ट्रिमर में अलग अलग होते हैं, उनकी सेटिंग अलग अलग होती है। और दोस्तों हमने कई सारे फिलिप्स की, पैनासोनिक की, एक और है कंपनी लाइफ स्टाइल कुछ इसी तरह कंपनी है, हमने कई सारे ट्रिमर की, अपने दो चैनल हैं हमारे दोस्तों, मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइन सोल्यूशन, और दोनों चैनल पर हमने लगातार वीडियो डालते रहते हैं, आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोनों चैनल का ही बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों दोनों चैनल में वीडियो डालते हैं, आपने देखी कि तो उनको भी देख सकते हैं, हर उसकी सेटिंग अलग अलग रहती है। तो दोस्तों इसका एक तो तरीका ये है कि हम इस तरह करके पहले हम ये स्प्रिंग को यहाँ फंसा देते हैं, दोस्तों यहाँ लॉक में फंसेगी स्प्रिंग, लॉक में फंसाने के बाद दोस्तों इसको हम ये प्लास्टिक वाला ये जो मुड़े हुए ये इन दोनों छेदों में जाएंगे दोस्तों,
ये दोनों छेद में चले गई थी दोस्तों। दोस्तों इसको लगाने के बाद आप दबाने अच्छी तरह, और ये जो पेज के छेद हैं आपको दोस्तों, ये हमने दोस्तों इसमें हल्का सा हम इसमें जोरिक मार देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल होता तो ये थोड़ा सा चलने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। दोस्तों अब हम इसमें एक बार लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अब सही चलने लगे, खोल के पूरा सही कर दिया, अब ये बिल्कुल सही काम करने लगे। ये देखिए दोस्तों, बाल भी ये काटने लगा, बाल भी सही हो गए। दोस्तों हमने यहाँ के भी एक ट्रिमर रिपेयर करा था, तो हमने यहाँ के बाल काट हो गए थे चेक करने के चक्कर में। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा नोवा कंपनी का ट्रिमर है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इसको निकाल के चल जाता है और इसको लगाने के बाद बंद हो जाता है, तो दोस्तों आप इसी तरह इसका जो आगे का सेटमेंट है उसको रिपेयर कर सकते हैं, खोल के पूरा साफ कर सकते हैं और साफ करने के बाद उसको लगा सकते हैं। और दोस्तों हर सेटमेंट अलग अलग होता है, जैसे कि हर कंपनी का अलग आता है, पैनासोनिक का अलग और सोनी का अलग, और भी बहुत सारी कंपनी सबके अलग अलग आते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो डली हुई है इसके ट्रिमर की, आप वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों हमने कई ट्रिमर पर बैटरी चेंज करना भी बताया है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, एम के एस रिपेयरिंग यानी एम के एस फाइंड सोल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।